हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप आज का व्लॉग देख रहे हैं, गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है। सो या टुडे इज फ्लाइंग डे। सो आज फाइनली हम लोग जो है फ्लाई कर रहे हैं, और सबसे पहला टास्क ऑफ द डे जो था वो है ईवा को बोर्डिंग में ड्रॉप करना। थोड़ा सा इमोशनल फील भी हो रहा है और थोड़ा सा सैड फील भी आ रहा है, लेकिन जो भी है ईवा के लिए अच्छा ही होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। हम तो ऐसी वेकेशन पे जा रहे हैं, तो ईवा जब थोड़ा टाइम हमसे दूर रहेगी ना, तो उसकी अक्कल ठिकाने आ जाएगी, बदतमीजी सारी ठीक हो जाएगी। ये अच्छा होने वाला है इसके लिए। ईवू जो है वो बैठी है चिलिंग में। ईवू हाय, हेलो हेलो गर्ल, हेलो 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 गर्ल। नमन कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, ईवा को छोड़ने का मैं मतलब सबसे ज्यादा जो हमें अफसोस हो रहा है ना, वो हमें ईवा को छोड़ने का हो रहा है। अपने लिए इतना वो नहीं लग रहा, मतलब हम जा रहे हैं घर वालों से दूर ही है, वो कुछ नहीं लग रहा, वो तो हम एक्साइटेड है, लेकिन ईवा को छोड़ने का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, दिल से दुख हो रहा है कि यार उसको छोड़ के हम जा रहे हैं। काश ऐसा पॉसिबल होता कि हम उसको भी अपने साथ ले जाते तो, लेकिन नहीं है अभी के लिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो भी प्लान करेंगे तो हम इसको इंशाल्लाह अपने साथ ले जाएंगे, कोशिश पूरी रहेगी हमारी। सो अभी हम उसको ड्रॉप करते हैं, एंड देन उसके बाद आज हमने कुछ भी नहीं खाया है, हमने सुबह सुबह बस मासी से काम कराया, ईवा का सामान वाइंड अप किया, एंड उसके बाद अभी जो हम उसको ड्रॉप करेंगे ताकि हमारे जो आगे के काम है वो ईजी हो जाए, एंड उसके लिए हम प्रिपेयर रहें। तो अभी हम ईवा को ड्रॉप करके फिर कुछ देखेंगे, शायद कुछ खा लें और फिर देखते हैं आगे का जो भी प्लान हो तो हम बताती हूँ। थोड़ी लाल। हाय गाइस, तो फाइनली आई एम बैक होम, एंड नाश्ता भी हो गया, पापा के पास जाना था वो भी हो गया, अब बस हम घर आ गए। थोड़ा सा सैड फीलिंग है क्योंकि ईवा इज नॉट हियर एंड वी आर बिट अपसेट, लाइक लिटरली रोना आ रहा है मुझे, बिकॉज वी आर सो इमोशनली अटैच विद हर, एंड वो भी थोड़ी सी अपसेट है, बट शी विल गेट सेटल्ड। बट हमें कुछ ना कुछ तो मैनेज करना था, तो इसलिए उसको हमने बोर्ड कराया है। फाइनली आई एम बैक, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, थोड़ा मैंने मेकअप किया हुआ बिकॉज वी वेंट आउट, एंड अब हम वापस घर पे आ गए हैं। तो अभी हम चिल कर रहे हैं थोड़ी देर, लाइक जो एंड एंड के काम रह गए हैं वो सॉर्ट कर रहे हैं। बाकी ये है अपडेट कि नुमान के फादर जो है वो भी आ गए हैं, वो आ गए थे बट थोड़ा सा हमारे एरिया में बहुत जैम वैम था, तो वो नुमान के भाई के पास है, तो ही विल बी होम सून, एंड देन वी हैव फ्यू थिंग्स टू पैक, लाइक वो कुछ लाएंगे तो वो थोड़ा सा डालना है सामान अंदर। उसके बाद वी आर ऑल सॉर्टेड, इट्स 9:15 राइट नाउ एंड आई एम सो एक्साइटेड टू गेट रेडी। और मुझे एक शावर लेना है दोबारा, बिकॉज बहुत गर्मी है तो बाल बहुत गंदे हो गए, वी हैव अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट, तो आई वॉन्ट कि मैं थोड़ी सी फ्रेशन अप होके जाऊँ। सेट एंड रेडी टू गो टू एयरपोर्ट, फाइनली टाइम कल हो गया है एंड बहुत टाइम लगा और हम रेडी हो चुके हैं। So, मैं आपको दिखाती हूँ एयरपोर्ट लुक, तो मैं कैसा लग रहा था ये बताओ। लेट मी शो द एयरपोर्ट लुक। आर एयरपोर्ट लुक, कैन यू सी दैट? मेरा ये लुक है और नुमान का ये लुक है। सो लुक हो गया रेडी एंड फाइनली लेट्स गो। हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी और अब टाइम पे हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं। मेरा अमीन, अमीन तुम्हें अच्छा लग रहा है, मैं जा रही हूँ। नहीं तो आपको कैसा लग रहा है, मैं जा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। फाइनली मैं जा रही हूँ नुमान, एंड हियर वी आर फाइनली गोइंग इन साइड, एंड मेरे भाई ने जो है वो वीडियो बनाई है हमारी जाते हुए, एंड ये बस अब हम अपने पासपोर्ट्स एंड टिकट्स वगैरह दिखा रहे हैं, एंड वी आर गोइंग इन। चेक इन ऑलरेडी स्टार्टेड, सो वी वेंट इन, एंड हमने बस अंदर जाकर अपना लगेज जो है वो चेक करवाया। इन दिस क्लिप यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग माई लगेज चेक्ड, एंड अमीन ने उसकी वीडियो बनाई है। हेयर वी आर गेटिंग आर लगेज रैप्ड, एंड हमारे पास 4 लगेज टोटल थे तो हमने चारों के चारों को रैप करवा दिया। गाइस फाइनली वी हैव चेक्ड इन, एंड ये हमारे पासपोर्ट्स, बड़ी मुश्किलों से हम पहुँच चुके हैं। ये ना नुमान, हम लाउंज में आ गए, हाउ इज इट गोइंग, आर यू हैप्पी, आर यू एक्साइटेड, आर यू हंग्री? नॉट दैट हंग्री, स्टिल वी वांट टू ईट समथिंग। चलता रहे, मुंह बंद ना हो। और पता है तुम्हें, जैसे ही हम प्लेन में जाएंगे ना, बोर्ड करेंगे, तब हमें वहाँ पर भी ब्रेकफास्ट मिलेगा।
इसलिए बोल रही हूँ, लंच में और लोग भी हैं इसलिए। सो फाइनली अब हम वेट करेंगे यहाँ पर 1.5-2 घंटे एंड देन वी विल गो टू द प्लेन एंड देन स्लीप। सो बाय गाइस, हमने लाउंज में पहली आज के साथ जो काम किया वो किया, हमने खाना मंगा लिया। मम्मी ने ऑर्डर मैंने पिज्जा, आई हैव ऑर्डर चिकन सैंडविच। सो फाइनली हमने अभी चाय पी है एंड अभी भी टाइम बोर्ड अप करने में 1 घंटा बाकी है। 1 घंटा नहीं, आई मीन बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी 15-20 मिनट में, बट हम जाएंगे 35-40 मिनट्स के बाद। तो ये सीन चल रहा है, बट मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, मैंने अपना जैकेट पहन लिया है और मैं सोच रही हूँ मैं सॉक्स भी निकालूँ बाहर। गाइस फाइनली हम अपने प्लेन में जा रहे हैं और सुबह हो चुकी है एंड बहुत ही क्रेजी मंजर है और नुमान को अब यकीन आ गया कि हम जा रहे हैं फाइनली। लेट मी शो यू आवर प्लेन। अब देख लो प्लेन, बस हम जा रहे हैं गेट के तरफ। वी आर सेटल्ड ऑन आवर सीट्स एंड आई एम सो एक्साइटेड। एंड वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वाया तो टर्किश एयरलाइन और बहुत ही अच्छा से फूल बना है। आई गेस यू शुड टेक सम पिक्चर्स, तो हम थोड़ी पिक्चर्स लेती हूँ उसके बाद अपडेट करती हूँ। अभी फिलहाल 6 घंटे की फ्लाइट है एंड वी आर गोइंग टू टर्की। सो इस्तांबुल जा रहे हैं हम अभी एंड आई डोंट नो इफ द वॉइस इज क्लियर, बट इससे ज़्यादा लाउड मैं बोल नहीं सकती अभी। तो हम अभी जा रहे हैं टर्किश एयरलाइन से इस्तांबुल। Got our breakfast within 30 minutes. This is chicken casserole with spinach. The other thing was some dal and there was the cake piece and this is profit roll. रीच्ड इस्तांबुल एंड हम लोग पहुँच चुके हैं और अब हम फ्री वाईफाई का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें वाईफाई की शदीद ज़रूरत है। अभी हमारे बोर्डिंग पास तो हमें मिल चुके थे बट हमें गेट नहीं पता कि हमें कौन से गेट से जो है कनेक्ट करना है। गेट 1 hour free एक्सेस मिल गया। वी आर रोमिंग अराउंड एयरपोर्ट एंड अभी हम जा रहे हैं लाउंज की तरफ। We are finally going on the counter to find out our gate. So let's see kya scene hai. We are going to US and hum log pehle Houston ja rahe hain, to hamara Turkish ka transit tha and we are done with that aur ab hamari flight hai to Houston. So yeah, we are excited and abhi hum bas ja rahe hain apne gate number ki taraf because our flight is at 2:10 and currently it's 12:20. तो अभी टाइम है तो प्रॉब्ली वी विल गो टू द लाउंज एंड वहाँ पर जाके कुछ खाएंगे पियेंगे एंड चिल करेंगे। अब उसके बाद जाएंगे बोर्ड करने। मीनवाइल एंजॉय द व्यू। बैगेज आर हियर, नुमान इज हियर एंड ये हम सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं और नाउ द एयरपोर्ट इज हियर जो हम मिस कर रहे थे। We are here at the store and I'm having coffee, bubble tea pini and we also got the sandwich. So we are getting with like this. I'm interested in trying flaky pastry with chocolate and Oman is having smoked turkey sandwich. So yeah, on scenes. I also got the latte. Oman is here for pickup. Itna ameer hai ki humne coffee, एक ये फ्लेकी प्रेट्ज़ल और एक हमने ये स्मोक टर्की सैंडविच लिया फॉर $30 $29 It's cool. Finally we are boarding the plane and हम बस जा रहे हैं प्लेन की तरफ। Excited and it's a long flight. कॉफ़ी शॉफी पी ली हमने, सारे स्कैन्स हमारे हो गए, बस अब चलते हैं प्लेन की तरफ और लैंड करते हैं ह्यूस्टन में डायरेक्टली सेफली इंशाल्लाह। सो आई सी यू गाइस soon in Houston.
अभी भी नहीं बढ़ते गाइस. वी आर फाइनली लैंडेड इन ह्यूस्टन एंड अभी बस माय चाचू इज कमिंग टू पिक अस अप. मान जो कि जा रहा है आगे भागते भागते, उसको आज इमिग्रेशन वाले ने रोका. मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई कि क्या पूछेंगे. First meal in US. We are having Whataburger. So let's wait for our burgers. I've ordered grilled chicken, spicy grilled chicken sandwich, and Oman has ordered Whataburger. Hi guys, welcome back, and have a good day. लास्ट नाइट वी लैंडेड टू ह्यूस्टन एंड वी आर हेयर इन सैन एंटोनियो एंड हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं. तो हम रात को घर बहुत लेट आए थे एंड बहुत ज़्यादा जो है थकन भी हो गई थी इतनी लंबी फ्लाइट के पास. अभी हम सो के उठे हैं. वी ऑलरेडी हैड अ ब्रेकफास्ट एंड अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में. आई एम जस्ट अनपैकिंग ऑल माई लगेज. मैं शावर लेने जाऊँगी. सो या दैट्स द अपडेट. आई वुड लाइक टू एंड दिस व्लॉग हेयर एंड आई विल कम बैक विद अ न्यू व्लॉग सून एंड देन आई विल टेक यू ओवर टू दी सैन एंटोनियो पार्ट एंड जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ का मैं आपको बताऊँगी. आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं अब कोशिश करूँगी मैं ब्लॉग 2 से 3 दिन में डालती रहूँ. सो होप यू गाइज हैड अ गुड टाइम. सी यू सून. बाय बाय.